सेक्स का विषय हमारे समाज में हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है। क्या यह सही है या गलत? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक ऐसी कहानी की ओर मुड़ते हैं जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। यह कहानी तब की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वह गांव के लोगों को धर्म और जीवन के मूल्यों के बारे में शिक्षा दे रहे थे। बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उनके वचनों में शांति और समाधान पाते थे। गांव में बुद्ध का आना किसी उत्सव से कम नहीं होता था। लोग अपने काम काज छोड़कर बुद्ध की शिक्षा सुनने आते थे। यह समय भी ऐसा ही था जब बुद्ध का गांव में ठहराव था और लोग उनकी शिक्षाओं से लाभान्वित हो रहे थे। एक दिन एक शिष्य, जो हमेशा से बुद्ध की शिक्षाओं में गहरी रुचि रखता था, उनके पास आया। उसका मन बहुत दिनों से एक प्रश्न से विचलित था। वह जानना चाहता था कि क्या सेक्स करना सही है। उसके मन में यह प्रश्न समाज में फैली विभिन्न धारणाओं और व्यक्तिगत संदेहों के कारण उत्पन्न हुआ था। वह जानना चाहता था कि क्या इसे सही माना जा सकता है या नहीं। शिष्य ने अपने प्रश्न को बुद्ध के सामने बड़े सम्मान और विनम्रता से रखा। गुरु, क्या सेक्स करना सही है? शिष्य का प्रश्न सुनकर अन्य शिष्यों में भी हलचल मच गई। यह एक ऐसा विषय था जिस पर आम तौर पर खुलकर चर्चा नहीं होती थी। सबके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी असहजता दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध की कहानियों में गहरी शिक्षा होती थी और वह हमेशा सरल और समझ में आने वाले रूप में प्रस्तुत की जाती थी। फिर बुद्ध ने एक युवा व्यक्ति की कहानी सुनानी शुरू की, जो प्रेम में था और अपने साथी के साथ जीवन बिताना चाहता था। यह युवक और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति गहरी प्रेम भावना रखते थे, लेकिन समाज की विभिन्न मान्यताओं और नियमों ने उन्हें भ्रमित कर दिया था। वह दोनों अपने प्रेम को सही ठहराना चाहते थे, लेकिन समाज के डर और अपनी संदेहों के कारण वे स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे थे। बुद्ध ने बताया कि इस युवक ने एक दिन बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा और उनसे पूछा, गुरु, क्या सेक्स करना सही है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समाज की मान्यताओं के कारण हम संदेह में हैं। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से सुना और फिर उसे समझाया कि सेक्स स्वयं में न तो सही है और न ही गलत। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इसे किस प्रकार देखता है और उसके पीछे क्या भावनाएं और उद्देश्य हैं। बुद्ध ने कहा कि यदि किसी कार्य में सच्ची भावना, प्रेम और सम्मान है, तो वह कार्य सही होता है। लेकिन यदि उसमें केवल भोग की भावना है और दूसरों के प्रति असम्मान, तो वह गलत होता है। यह सुनकर युवक थोड़ा और स्पष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। उसने बुद्ध से और अधिक स्पष्टता मांगी। बुद्ध ने उसे एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार एक गांव में एक सुंदर नदी बहती थी। उस नदी का पानी बहुत शुद्ध और मीठा था। गांव के लोग उस पानी का उपयोग पीने, स्नान करने और अपने खेतों की सिंचाई के लिए करते थे। वे उस नदी की बहुत इज्जत करते थे और उसकी देखभाल करते थे। एक दिन कुछ लोग गांव के बाहर से आए और उन्होंने नदी का उपयोग अपनी स्वार्थी आवश्यकताओं के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने नदी के पानी को गंदा कर दिया और उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया। जब गांव के लोग यह देखे तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने उन लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी संसाधन या कार्य की पवित्रता और उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। यदि हम उसका सम्मान करते हैं और सही भावना के साथ उपयोग करते हैं, तो वह सही होता है। लेकिन यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं और स्वार्थी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वह गलत होता है। यह दृष्टांत सुनकर युवक को बुद्ध का संदेश स्पष्ट हो गया। उसने समझा कि सेक्स भी एक प्राकृतिक कार्य है, जिसे सही भावना और सम्मान के साथ किया जाए तो वह पवित्र और सही होता है। लेकिन यदि उसमें केवल भोग और असम्मान की भावना हो, तो वह गलत हो सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्य को यह सिखाया कि किसी भी कार्य की नैतिकता उसके पीछे की भावना और उद्देश्य पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने साथी के साथ सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ संबंध बनाते हो, तो वह सही है। लेकिन यदि तुम्हारे संबंध में केवल भोग की भावना और असम्मान है,
तो वह गलत है। बुद्ध के इस उत्तर से शिष्य के मन की शंका दूर हो गई और उसने यह सीख लिया कि किसी भी कार्य को सही या गलत कहने से पहले हमें उसकी गहराई में जाकर उसके वास्तविक उद्देश्य और भावना को समझना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा शिष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन बनी और उसने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी कार्य की नैतिकता और पवित्रता इस पर निर्भर करती है कि हम उसे किस भावना और उद्देश्य से करते हैं। सेक्स भी एक ऐसा कार्य है जिसे सही भावना और सम्मान के साथ किया जाए तो वह सही होता है, लेकिन यदि उसमें केवल भोग और असम्मान की भावना हो तो वह गलत हो सकता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण और भावना के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकें। बुद्ध की यह शिक्षा केवल सेक्स पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि उसकी महत्ता उस कार्य को करने की भावना और उद्देश्य में निहित होती है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने जीवन में हर कार्य को सच्ची भावना और समर्पण के साथ करें तो हमारा जीवन सार्थक और पूर्ण हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण और भावना के साथ करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में हर कार्य को सही भावना और उद्देश्य के साथ करें तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी कार्य की नैतिकता और पवित्रता इस पर निर्भर करती है कि हम उसे किस भावना और उद्देश्य से करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का यह सरल और गहरा संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन को सही दृष्टिकोण और भावना के साथ जीना ही सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर कार्य को सच्ची भावना, प्रेम और सम्मान के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकें।